हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रुद्र ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको मिलवाऊंगा रुद्र प्रताप से, और ये किस तरीके से अमित भाई की तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखलाऊंगा। तो रुद्र प्रताप, आप रेडी हैं वाटर गेम खेलने के लिए? तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, उसको सब घुसाना है, लेकिन आप कैसे खेलते हो ये सभी व्यूअर को दिखलाना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है वाटर गेम, और इससे रुद्र प्रताप गेम खेलते हैं, और आप देख रहे हो ये बिल्कुल ठीक हालत में है, बिल्कुल अच्छी हालत में है, और इस तरीके से रुद्र इससे गेम खेलते हैं इस तरीके से। और अब मैं दिखाता हूँ कि रुद्र प्रताप कैसे इस पर एक्सपेरिमेंट करके नए तरीके से गेम खेलते हैं। चलिए रुद्र प्रताप, कैसे खेलते हो इसको खोलो, तो खोल के कैसे खेलते हो वो दिखाओ। देखिए, ये अमित भाई बन गया है और इसका एक्सपेरिमेंट कर दिया है। अब देखिए ये कैसे खेल रहा है, घुस रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा रुद्र प्रताप कैसे वाटर गेम को तोड़ करके फिर उससे गेम खेलते हैं, और ये यही नहीं रुकते, फिर इसको तोड़ने के बाद इसको ठीक भी कर सकते हैं। क्या इसको ठीक कर सकते हैं रुद्र? हाँ। कैसे करो, तो जल्दी से इसको असेंबल करो, कैसे करते हैं? तो दोस्तों, आप देख रहे हो रुद्र प्रताप फिर से इसको असेंबल कर रहे हैं, तोड़ने के बाद फिर से इसको जोड़ रहे हैं। तो अमित भाई, जल्दी से जोड़िए इसको। अमित भाई, अपना वो डायलॉग जरा सुनाइए व्यूअर्स को, जोर से बोलिए ना। ओ भाई साहब। तो ये रुद्र प्रताप को अमित भाई और मिस्टर इंडियन हैकर के दिलराज भाई का वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है, और उसी तरह से ये भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तोड़ने जोड़ने का काम करते रहते हैं। तो अमित भाई, कितनी लेट लगेगी, थोड़ा जल्दी से कीजिए। हो गया, देखें जरा वो डायलॉग फिर से सुनाइए तो अमित भाई को। देखिए, तो अमित भाई ने इसको फिर से जोड़ लिया, तो इनका यही कारनामा है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से रुद्र प्रताप शर्मा ये इस वाटर गेम से गेम भी खेलते हैं, इसको तोड़ भी देते हैं, तोड़ के भी गेम खेलते हैं, और फिर उसको जोड़ भी देते हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे रुद्र प्रताप के एक्सपेरिमेंट को मैं आपके आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। और चलो, अब मैं आपको अपने दादी से मिलवाता हूँ, और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी दादी, और इनका उम्र तकरीबन 85 से 80-90 के बीच में होगा, और बहुत उम्र दराज है, लेकिन ये अपने से चल लेती हैं। तो अब मैं दादी से कुछ पूछता हूँ। तो दादी बोलिए, तो सिटी पार्क बोल सकते हैं आप? सिटी पार्क बोलने सकिएगा? ये सिटी पार्क को सिटी पहाड़ बोलती है, सिटी पहाड़। सिटी पहाड़। और एक है LIC, बोलिए तो LIC। LIC को ये एलाइची बोलती है। और बिकिया, बिकी, बिकिया। और नीरज का एक दोस्त है बिक्की,
उसको ये बिटिया बोलते बिटिया, तो दादी है हिंदी उनको अच्छे से आता नहीं है, लेकिन ये बहुत जगह जगह घूमी है, पूरे भारत का दर्शन किए है, पूरा भारत घूरल है ना, छोटे भारत घूरल है, तो उत्तर भारत दक्षिण भारत पूरा घूमे है। अच्छा समुद्र तीन को नहीं ना, तीनों को नाम है के लिए, तो भारत के तीन को में जो समुद्र, तो ये तीनों जितने दूर तक समुद्र है तीनों कौन तक गए होंगे, और तीर्थ यात्रा करती रहती है बट अब नहीं करती है, उनका उम्र हो गया है अब ये इतना घूम नहीं पाते। तो दोस्तों आपने देखा मैंने आपको अपने दादी से मिलवाया, और आई होप आपको दादी से मिलकर अच्छा लगा होगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, फिर मैं अपने ब्लॉग में दादी को लाऊंगा, और तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय।